स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएस एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। रीवा जिले के नेगरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने गाय से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गाय के बछड़े के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत गौवंश के मालिक द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। मानवता को कलंकित करने वाली इस मामले से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि डीहिया गांव निवासी ब्रजेश साकेत नाम के युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनाते हैं कि एडिशनल एसपी ने क्या कहा। सर, नई गढ़ी में 376 का मामला आया है, क्या प्रॉब्लम है? नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिहिया में 1 नवंबर को रिपोर्ट हुई थी कि एक उसी ग्राम का ब्रजेश साकेत ने एक बछिया, गाय की बछिया के साथ जो है दुष्कर्म किया था। इस सूचना पर उसकी जांच कराई गई और उस पर प्रकरण पंजीकृत किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। रीवा जिला मुख्यालय के पास ग्राम करहिया नंबर 2 में स्थित हनुमान मंदिर में भव्य दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें 1100 दीपों को एक साथ जलाया गया, जिसके बाद मंदिर परिसर सहित चारों ओर दीपों का प्रकाश फैला रहा। मंदिर परिसर में रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गईं, जिनको जलते दीपों से सजाया गया। इसके अलावा प्रज्वलित दीपों की सहायता से दीपोत्सव सहित श्रीराम नाम की दीप श्रृंखला भी बनाई गई। मंदिर को 1100 दीपकों से ऐसे सजाया गया था जिसकी खूबसूरती और जलते दीप काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। आपको बता दें कि यह दीपोत्सव अयोध्या में मनाए गए दीपोत्सव की तर्ज पर मनाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत करहिया नंबर 2 के सभी नागरिकों ने मिलजुल कर सभी के सहयोग से 1100 दीपों के द्वारा दीपोत्सव मनाने का संकल्प लिया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत के सभी वरिष्ठ महिला पुरुष युवा सभी ने मिलकर ग्राम के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर अपना संकल्प पूरा किया। स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएस एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।